बाप और बेटे और उल्कुदस के नाम में आमीन मसीहसू में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुंचे आज की अंजील मुकद्दस ब मुताबिक मुकद्दस मत्ती चौबीस बाप की बयालीसवीं आयत से इक्यावन आयत तक पढ़ी सुनी गई आज की तलावत का मरकजी अनुवान है तैयार रहो यानी मसीह यसू की वापसी के लिए तैयार रहो खुदा ये मसीह की वापसी के लिए तैयार रहने का क्या मतलब है इसका मतलब है के मसीह पर ईमान लाओ खुदा यसुमसी को अपना निजात दहिंदा कबूल करो खुदा यसुमसी की दी हुई निजात को कबूल करो और अपने गुनागार होने का इकरार करो और खुदाउयसमसी की उस निजात में शामिल होकर अबदी जिंदगी का तोहफा मुफ्त हासिल करो मेरे जिजो खुदाउय मसीह ने ये बातें जैतून के बाग में कही खुदा मसीह जानता था कि उसके वक्त करीब आ चुका है इसलिए वो अपने शागिर्दों को हर किस्म के हालात से सामना करने के लिए तैयार करना चाहता था वो चाहता था कि वो गमराह ना हो जाए वो चाहता था कि उनका ईमान कमज़ोर ना हो जाए वो चाहता था कि वो अंधेरे के कामों से होशियार रहें तैयार रहो या जागते रहो रात की तारीकी को ज़ाहिर करता है रात की तारीख़ी का मतलब है बुरे काम रात की तारीखी शैतान शैतानी राज है यानी ऐशो इशरत नाचो रंग नशा हरामकारी जुल्म व जबर और खुद गर्जी है खुदम जिसमसी नेक और बद गुलाम की तमसील के जरिए अपने शागिर्दों को यही सिखाना चाहता था कि उन्हें वो ही करना चाहिए जो खुदा यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया हालात चाहे कैसे भी हों आजमाइशों जुल्मों सितम के पहाड़ भी टूट जाएं मगर उन्हें खैरात मोहब्बत माफी इंसाफ के दामन को हाथ से जाने नहीं देना मुकदस मलूस रसूल पहला तसल क्यों पांच बाब में लिखते हैं भाइयों तुम तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की माने तुम पर आ पड़े तुम सब नूर के फर्जंद और दिन की औलाद हो हम ना रात के हैं ना तारीकी के बस हम औरों की तरह वसवसे में ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें क्योंकि जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं और मतवाले होते हैं मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर और निजात की उम्मीद का खौद पहनकर होशियार रहें क्योंकि ख़ुदा ने हमें गज़ब के लिए नहीं बल्कि अपने ख़ुदा ने मसीह के वसीले से निजात हासिल करने के लिए चुना है जागते रहो का मतलब है कि हम अपने गुनाहों से तोबा करके मसी यसु को अपना निजात हिंदा माने और उसके हुक्मों पर अमल करें और तैयार रहो का मतलब है जिस तरह दुल्हन अपने दूल्हा के लिए अपने बदन को पाक करती और ख़ूबसूरत बेदाग नया लिबास पहनती है दीदा जेब और कीमती जेवरात से अपने आप को दूल्हा के लायक बनाती है अपने बहनों भाइयों अजीजों कारब हती के मां बाप के दरमियान रह कर भी वो अपने दूल्हा की मुंतजर रहती है हमने भी खुदा युसमसी की आमेदे सानी के लिए अपने आप को ऐसे ही तैयार रखना है और ऐसा नहीं है कि खुदाम यूसल मसीह ने अपने आमद सानी के मतलब हमें ना बताया हो खुदाम यूसु मसीह ने अपने आमद सानी की निशानियां हमें बताई हैं वक्त नहीं इसलिए हम पर लाजम हो जाता है कि हम हर वक्त तैयार रहें रोजे क़यामत कब आएगा ये कोई नहीं जानता और तैयारी का वक्त बस हमारी जिंदगी तक ही महदूद है जब तक जिंदगी है हमने तैयार रहना है मेरे जिजो उस लोमड़ी की तरह जो अंधे कुएं में गिर गई और अपनी मदद के लिए पुकारने लगी कि कयामत आ गई लोगों कयामत आ गई उसकी पुकार सुनकर तमाम जानवर कुएं के इर्द गिर्द जमा हो गए और लोमड़ी से पूछने लगे कि बीबी लोमड़ी कहाँ है कयामत? तो लोमड़ी ने बड़ी चलाकी से कहा पहले मुझे कुएं से बाहर निकालो तो फिर मैं बताऊंगी जानवरों ने मिलकर उसे कुएं से बाहर निकाला और फिर पूछा कि अब बताओ क्या मत कहाँ है क्या मत कब आएगी और लोमड़ी ने बड़ी संजीदगी से कहा कि लोगों अगर मैं मर जाती तो ये मेरे लिए क्या मत से कम था क्या इसलिए मेरे जिजो इस जिंदगी में अपने आप को तैयार कर लो क़यामत कब आएगी ये हम नहीं जानते हो सकता है हजारों साल बाद आए हो सकता है सौ साल बाद आए हो सकता है कल ही और हो सकता है अभी चंद लम्हों में आ जाए लेकिन हमारी जिंदगी बहुत ही मुक्तसर है आने वाला पल कैसा होगा हम नहीं जानते हमारी जिंदगी का इख्ताम कब होगा हम नहीं जानते इसलिए अपने आप को हर पल तैयार रखें जागते रहे यानी अपने ईमान पर कायम रहे खुदा का कलाम पढ़ें दुआ करें और अच्छे इमाल अपनाएं क्योंकि हमारे कामों से ही लोग जानेंगे कि हम उसके हैं यानी खुदा मसीह के इसलिए मेरे अजीज व बैबुल मुकदस बार हाँ, बार हमें कहती है कि जागते रहो और दुआ करते रहो खुदा हम सबको बरकत पे बरकत करें आमीन